So hello traders, welcome back to my new video. And today in this video we are going to talk about Adani Enterprise share. So जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे Adani Enterprise का ये चार्ट खुला हुआ है वन डे के टाइम ओके और वन डे के टाइम फ्रेम में बहुत ही बड़ा और तगड़ा ब्रेकडाउन Adani Enterprise ने दे दिया हम लोग को। तो जो इंट्रा डे ट्रेडर्स हैं या जो शेयर को बाय करना जिन्होंने देखिए तीन तरह के यहाँ पे लोग, एक तो है इंट्रा डे ट्रेडर्स, वो मौका ढूंढने की कहाँ पे उनको पोजीशन बनाने का मौका मिले, बाय या सेल, कोई वो दोनों साइड जा सकते हैं ओके। सेकेंड नंबर पे आते हैं जो इन्वेस्टर्स हैं ओके, कुछ लोग पहले से ही इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं और कुछ लोग नए इन्वेस्टर्स हैं ठीक। तो ये तीन तरह के लोग होते हैं। सो जो पूरा पहले से इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं उनको तो लॉस दिखा रहा हो, सो वो लोग पैनिक हो रहे हैं कि अभी क्या ये फिर से तो क्रैश नहीं हो जाएगा। और जो नए इन्वेस्टर्स है वो मौका ढूंढ रहे हैं क्या ये सही प्राइस है इन्वेस्ट करने का या नहीं ठीक। तो देखिए तीन अलग अलग तरह से लोगों थिंकिंग चलती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में आप लोग को तीनों तरह की थिंकिंग वाले डिस्कशन करने वाले हैं ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्राडे से स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडर है तो देखिए अडानी इंटरप्राइज ने बड़ा ब्रेकडाउन हम लोग को डाउन साइड में दे दिया है ठीक। बट अगर आप लोग ध्यान से देखें यहाँ पे 50 EMA का इसने सपोर्ट ले लिया है ठीक। देख सकते हैं ये 50 EMA खुला हुआ है, यहाँ पे 50 EMA का एग्जैक्टली सपोर्ट लिया और मार्केट रिवर्स करके अपसाइड जा रहा है ठीक। इसी को अगर आप लोग छोटे टाइम फ्रेम पे देखें 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे अडानी इंटरप्राइज ने फॉल्स ब्रेकडाउन दिया था, ट्रैप जिसको बोलते हैं ट्रैप बनाया गया, बड़े इन्वेस्टर्स ने ट्रैप बनाया था अडानी ओके। एग्जैक्टली सेम टू सेम वैसे ही प्रोसीजर हुआ, यहाँ पे ये ट्रैप था, यहाँ फॉल्स ब्रेकडाउन आया और यहाँ पे जिन्होंने पुट बाय करी हुई है अडानी इंटरप्राइज की या जिन्होंने इंट्राडे में सेल करके रखा होगा उनको तो लगा होगा भाई देखो यहाँ पे, यहाँ देखो इतना गिरा है, यहाँ रिट्रेसमेंट हो गया, फिर से गिरना स्टार्ट हो गया, अब बड़े टारगेट्स देगा। बट यहाँ पे ट्रैप बिल्डअप करा और लोगों का एसएल हिट कर दिए ओके। तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रैप ट्रेडिंग। तो यहाँ पे ट्रैप बिल्डअप हुआ, इसकी वजह से आप लोगों को लॉस हो गया। अब बात करते हैं अगर आप लोग फ्रेश कुछ मौका ढूंढना है कहाँ पे आपको बाय करना चाहिए या नहीं। तो देखिए आपको फ्रेश बाइंग साइड में मौका तभी मिलेगा जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता है। 2292 रुपीज का बहुत ही क्रूशियल लेवल है बिकॉज यहाँ से मार्केट देख सकते हैं कितनी हाई वॉल्यूम की रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करी और वापस से फॉल आने लगा। अभी अगर करेंटली बात करें तो इसमें इन जो लास्ट की कैंडल्स हैं, ये लास्ट की चार कैंडल्स हम लोग को क्लियर कट टू कट इनडिसीजन दिख रहा है और मार्केट पूरी साइडवेज दिख रही है अडानी ओके। तो अभी बस आप लोग को क्या करना है, पंगे नहीं लेने हैं मार्केट में। डाउन साइड से अगर आप लोग ध्यान से देखें डाउन साइड से ये ट्रेंड लाइन चलती आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट सपोर्ट करता हुआ अपसाइड जाने की कोशिश करेगा ओके। अगर ये ब्रेकडाउन देता है, अब हम लोग पुट अगर प्लान करना चाहते हैं, आप लोग सेलिंग का प्लान करना चाहते हैं तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे हम लोग प्लान करेंगे। जब तक ये ट्रेंड लाइन सेफर साइड में हम लोग फ्रेश सेलिंग साइड में कोई पोजीशन नहीं बनाने वाले ओके। ये बात हो गई इंट्राडे ट्रेडर्स की। अब बात करते हैं जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, वापस चलते हैं हम लोग वन डे के टाइम फ्रेम पे। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, देखो अगर आप लोग इन्वेस्टर्स हो तो आप लोग को बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है बिकॉज अडानी इंटरप्राइज जब तक ये 50 EMA के अपसाइड है ओके तब तक आप लोग सेफर साइड में हैं। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, आपका लास्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 2165 रुपीज का। बट अगर आप लोग थोड़े से रिस्क टेकर हैं तो आप लोग 2165 का मैंने बताया 2150 रुपीज का आप लोग स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं ठीक, 2150 का ठीक। अब देखिए ये बात हो गई इन्वेस्टर्स की जिन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। बट जो फ्रेश इन्वेस्टिंग के लिए मौका ढूंढ रहे हैं क्या ये सही टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए या नहीं, तो देखिए मेरे हिसाब से आप लोग के लिए ये एग्जैक्टली सेम टाइम होगा इन्वेस्ट करने के लिए। बट कब होगा, जब कल के दिन जो मंडे का सेशन है यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाए ओके। हम लोग वेट करेंगे बुलिश कैंडल के कन्फर्मेशन का, जब तक बुलिश कैंडल का कन्फर्मेशन नहीं मिलता है हम लोग को तब तक फ्रेश एंट्री नहीं बनाने वाले हैं जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। बट अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं ओके। तो इस वीडियो में मैंने तीनों पॉइंट्स कवर कर लिए, तीनों तरह के ट्रेडर्स कवर कर रहे हैं, इंट्राडे स्विंग ट्रेडर्स एंड जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी ओके। सो आप लोगों को वीडियो का बेस्ट ऑफ बेस्ट पार्ट क्या लगा है वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई और कन्फ्यूजन या कोई और शेयर के बारे में जानकारी चाहिए हो कमेंट बॉक्स में आपका फ्री ऑफ कुछ माइंड फ्री माइंड फ्रीली होके एकदम फ्रैंक जैसे भाई लोग होते हैं वैसे आप लोग लिखिए, एकदम फैमिली की तरह, फैमिली मेंबर की तरह आप लोग हमारे फैमिली मेंबर की तरह है यूट्यूब फैमिली मेंबर। सो फ्री में कुछ भी आपको पूछना हो पूछ सकते हैं ओके। So me see you soon till next video, subscribe our channel and keep watching.